अबे रोमान बच्ची इतना फेमस हो गया बंटा, तो दूसरे लिप्सर लोग को भी जानता ही रहेगा ना। हाँ सबको जानता हूँ, मिला ना भाई मेरे को किसी से। लेकिन भाई मैं जानता हूँ ना। हाँ तो भाई इसीलिए बोलो, कोई तो एक से मिला दे। अरे भाई मैं जानता हूँ ना, उन लोग थोड़ी ना जानते मेरे को। अबे भाई ये तो नल्ला निकला बे। मर्दों के लिए मोदी जी स्कीम निकालो, मीठा तो बहुत हो गया नमकीन भी खा लो। अच्छा किया जो नोट बदल डाली आपने, बीवी को बदलने की भी स्कीम निकालो। अबे कौन है बे तू, प्रधानमंत्री? जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म। मात्र दुई पैसिस বাংলার মধ্যে বাংলা তো মনে করো যে ডাক্তারই প্রশ্ন ঢুকাই দিয়েছে ওখানে। কি বলে তো কি ওখানে প্রশ্ন হয়েছিল যে লিঙ্গ পরিবর্তন করো, লিঙ্গ তো আমি পরিবর্তন করতে পারবো না, এগুলো হলো ডাক্তারের কাজ, ডাক্তার ভাবে। আমরা মাত্র দুই পাই। হাকিম সাহেব মুঝে অজীব সি বিমারী হয়ে গই হ্যায়, জব ভি মেরি বিবি মুঝে কুছ কহতি হ্যায় মুঝে সুনাই নি দেতা। মাশাআল্লাহ ইয়ে বিমারি নেই বাচ্চা, तुम पे खुदा की रहमत हुई है रहमत। ओ भैया। हाँ। वो कौन सा प्लेयर रहता जो खोपड़ी में लुंगी बांध के आता? लुंगी बांध के आता? हाँ एक होता नहीं जो लुंगी बांध के आता खोपड़ी में। समझ नहीं पा रहा क्या बोल रहे हो तुम? अरे वही जो खड़े खड़े चक्का मार। होटल से? हाँ सर, एक ऑर्डर लिख लो। बताइए सर। दो पिज्जा, दो रसमलाई, एक कोल्ड ड्रिंक। घसीटा के खेत पे भेज दो। बिल किसके नाम में भेजूं सर? बिल अल्लाह के नाम पे भेजो, हम तो भिखारी हैं। रे रोशना। हाँ। गर्लफ्रेंड किसे कहते हैं? गर्लफ्रेंड किसे कहते हैं? वैसी लड़की जिसका खर्चा पूरा करते करते लड़का अपने घर का गेहूं चावल तक बेच देते हैं, उसे गर्लफ्रेंड कहते हैं। पापा आपने लव मैरिज की है ना? हाँ बेटा, तुझे कैसे पता? क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ और आपकी शादी में सिर्फ 5 महीने का अंतर है। सुनो। हाँ बोलो। क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी? हाँ। चलो घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भाई सुना है गर्लफ्रेंड जितनी देर से मिलती है उतनी ही हॉट होती है। हाँ बात तो सही है, इस हिसाब से तो मेरी वाली जलकर राख हो गई होगी। अब तुझे क्या हुआ? यार मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला था लड़ने से प्यार बढ़ता है। हाँ तो यार मैंने 2-3 मुक्के मार दिए, अब वो बेहोश। अबे जिप तो लगा ले पैंट की। डॉक्टर साहब। कहाँ हुआ रे? आपका लिखा हुआ दवाई कोई मेडिकल स्टोर में नहीं मिल रहा है। लिखा ले रहे बुढ़वा। तो कहाँ है? तो कलमिया नहीं चल रहा था तो चला के नहीं देख रहे थे रे। कब का कलम बेवकूफ बेकार भाग। प्लीज वेट फॉर अ मिनट, टेक सम तंबाकू देन टेक सम चुना एंड रगड़ दाना दाना देन ग्रैब इन योर फिंगर टिप्स ओपन। मैं मुर्गी फार्म डिपार्टमेंट से आया हूँ, तुम अपने मुर्गे को क्या खिलाते हो? जी मैं तो बाजरा खिलाता हूँ। रॉन्ग फूड। अरेस्ट हिम। तुम क्या खिलाते हो? मैं तो चावल खिलाता हूँ जी। इसका भी गलत है, इसे भी अरेस्ट करो। तुम क्या खिलाते हो? जी मैं तो 5-5 रुपए दे देता हूँ, अपने आप खाई आते हैं। जानते नहीं हो ना मैं किसकी बेटी हूँ? जानता हूँ, बहुत अच्छा से जानता हूँ। हमार बाजू वाले गांव चुचुरुंगपुर के खोरबहारा इंस्पेक्टर के बेटी था। मेरे पापा का नाम तमीज से लो, उनका नाम के आर वर्मा है। के आर वर्मा। मान ले सानू के पास 20 रूपए है। कौन सा है 20 रूपए? 10 के 10 रूपए मुझे अभी चाहिए, मेरे 10। अबे मास्टर तो देख ले पहले क्या कह रही है। यूँ कह रही है मान ले। अबे साले बावला है मास्टर, मानने को हर बार मुझसे ही मन मांगा। अरे वो सब बात ठीक है, लेकिन इसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। अरे कौन सी सजा, कैसी सजा? अच्छा भूल गया, वो सेठ जी नागपुर के अंदर जो शो हुआ था उसके अंदर वो ऑर्गेनाइजर की बेटी थी, उसको मैंने भैंस बुलाया था तो मुझे बर्तन मारने की सजा मिली थी, जबकि मैंने बुलाया भी नहीं था। और इसने तो किया है, इसको कम से कम कपड़े धोने की सजा तो मिली। हेलो हेलो। और डार्लिंग कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बता,
मुझे तुम्हारी बिल्डिंग का तो पता है, मकान नंबर तो बता दे। देखो जानू, बिल्डिंग के अंदर आके बाई तरफ लिफ्ट है, लिफ्ट में आकर अपनी कोहनी से 9 नंबर का बटन दबा देना। जब 9वें फ्लोर पर आ जाओ तो राइट हैंड पर दूसरा फ्लैट हमारा ही है। यहाँ आकर अपनी कोहनी से घंटी का बटन दबाना, मैं दरवाजा खोल दूंगी। लेकिन स्वीट हार्ट, ये सब बटन मैं उंगली से दबाऊंगा तो ज्यादा आसानी होगी। ओह माय गॉड, इसका मतलब तू खाली हथान लाग रहा है। साले नंगड़े, आड़ा आ मत जाइए, ना तो ऊपर तय फेंक दूंगी। पापा मम्मी कह रही मिट्टी तेल लेके आओ दुकान से। काहे मिट्टी तेल का करी है, चल के मरा चाहती का। मरा चाहती हन, आओ बताई, तुम ही तो माचिस लगाई हो। अरे लड़का रुको रुको रुको। अंकल कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम जी? हम अभी सातवीं में पढ़ाई कर रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं लगता? तुम्हारी उम्र में तो गांधी जी बीए पास कर चुके थे। अंकल आपको भी शर्म नहीं लगता कि आपकी उम्र में भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए थे? बात करते हैं। कोई तो फायर ब्रिगेड मंगवा दो। क्यों रे? क्योंकि तुम्हें जब भी देखता हूँ ना, मेरे दिल में आग लग जाती है। I fuck you. हाँ? क्या बोल रहे हो? तूने तो बताया था कि मिलने को fuck बोलते हैं। हो गए हो? अरे तूने तो बोला था उस दिन मिलने को fuck बोलते हैं। तो I'll fuck you. Thank you sir. You may go now. अरे हाँ? एक शायरी उन्हें सुना यार। हेलो दोस्त, ये खूबसूरत शायरी, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर। सफेद साड़ी में लाल बिंदी लगाती हो, माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती हो। सफेद साड़ी में लाल बिंदी लगाती हो, माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती हो। वो घायलों को ले जाती है, तुम घायल करके जाती हो। मेरे को यहाँ वोट डालने के बाद और भी जगह वोट डालने जाना है। हेलो, आप एक ही बार वोट डाल सकती हैं। ऐसा किसने कहा? सरकार ने। कौन सरकार? अरे तुम जिसको वोट देके बनाओगी। अच्छा, जिसको हम बनाएंगे हम पे हुक्म चलाएगी। माँ की यहाँ कैसी सरकार थी? अभी तक नजर नहीं आ रहा, अभी हम दीवार में घिसाई कर रहे थे, थूक रहा उसी पे। तो क्या हुआ, कलर तो होवे करे, टेंशन का ले। नहीं तो ते वो काम करते, हक दे, हम पानी भी ला रहे थे, गाना भी धो ले, हक देते। क्या हुआ भाई, किसका फोन था? यार मेरी बीवी बड़ी कामचोर है, क्यों टाइम पे खाना नहीं देती क्या? रोज शाम को फोन करके डराती है यार। क्यों, क्या बोलती है? बोल रही है कि खाना होटल से लाओगे या आके बनाओगे। लगा एसिया बंद कर दे, बहुत हरामी टाइप की गर्मी लग रहा हूँ। ले बाबू खुटवा में टांग दे, तो कटवा कहीं ले जाके समझ लेना, बैठना के तू तो आर खड़ा जाए। यार कैसा है भैया, ठीक ही? हाँ भैया कैसा है तू? ठीक ही। आओ मान लीजिए तू कैसे नहीं हरामी, हथवा छोड़ना साला। जब अर्ज किया है, वाह खबरदार, अगर नजर डाली तो आगे आगे से देखना नहीं इसकी तरफ। वाह वाह, मैं तेरे को चेतावनी दे रहा हूँ, इसकी तरफ देखना नहीं है। माजन आरियस में दूसरी लगा। अभी वो वाली वीडियो भरवाई ना है मैंने, चिप भरवाने भेजी है, भर जाएंगी तो देख लिए तू भी। सही है, आजा चल। अरे पी के आए हो क्या? सच सच बताओ। नहीं तो। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए शाही पनीर बनाए, आके खा लो। मारो दम। राम ने हमला किया लंका पे और पुल बनाने की बारी आई। समंदर पे नल और नील नाम के दो वानर शिलाएं उठाते, पत्थर उठाते, उस पे श्री राम लिखते, पानी पे छोड़ते, तैर उठता पत्थर। अब जब ये खबर जब पहुंची लंका में तो जनता में हाहाकार मच गया, बोले जिस राजा ने हम पे हमला किया वो तो मायावी है, उसके नाम के पत्थर तैरते, हम तो मर जाएंगे। रावण ने कहा चिंता मत करो, आओ समंदर के किनारे पे, मैं भी दिखाता हूं। रावण लेके गए सबको, पत्थर उठाया, उस पे रावण लिखा, उस पत्थर को पानी में छोड़ा, वो पत्थर भी तैर उठा। जनता बेहद प्रसन्न, बोले हमारे राजा को भी कला आती है, सो गए जाके। रात को मंदोदरी शयन कक्ष में एक सवाल करती है कि हे मेरे प्राणनाथ, मैं जानती हूं तुम पानी पे पत्थर तैरा नहीं सकते, किया तो किया कैसे? रावण ने कहा कि मैंने शिला उठाई, मैंने पत्थर उठाई, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और कहा तुझे श्रीराम की सौगंध अगर डूब गया तो।
एक बात पूछूं? हाँ पूछ। कभी भी तुम लड़कियां क्यों नहीं प्रपोज करती हम लड़कों को? अबे बहुत सालों पहले सूर्पनखा ने कोशिश की थी ना, उसकी नाक काट दी गई। वो डर आज भी जिंदा है हम लड़कियों में। अच्छा ये तो बताओ, ये जो फेसबुक पे रोज रोमांटिक शायरियां लिखते हो कि तेरी रेशमी जुल्फें ये वो, ये किसके लिए लिखते हो? अरे जानो, तुम्हारे लिए लिखता हूँ। अच्छा, तो जब यही रेशमी जुल्फें तुम्हारी दाल में गिरती हैं, फिर इतना चिल्लाते क्यों हो? हेलो मम्मी। हाँ। मेरी ना इनसे लड़ाई हो गई है, तो मैं ना 4-5 दिन के लिए घर आ रही हूँ रहने के लिए। अरे तू क्यों आ रही है? झगड़ा वा हरामखोर ने करो है ना, तो सजा भी वही मिलनी चाहिए। तू रुके और मैं आ रही हूँ 5-6 महीना को। क्या? अबे अबे तू यहाँ बैठा है, तेरे भी बिकवा सांप काट रहा है। वो सांप काट नहीं रहा है, क्या कर रहा है? ओकर जहर खत्म हो गया है। हाँ। तो हमरी बीबी से रिचार्ज करवाने आया है। ये बात है कि उनको कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं और हेलो यार, टोन सुनने ही नहीं दिया तो लगाया क्यों? 30 रुपया बर्बाद कर रहा है। कौन है भाई? बउआ बोल रहे थे अंकिल। हाँ बोल बेटा। बाप लग रहे होगा बेटा बोल रहे हो। अरे तू भी तो अंकल बोल रहा है।